मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जनता को सब पता है कि कौन टाइगर है और कौन चूहा है। कमलनाथ ने ये बयान बाबा महाकाल के दर्शन कर चुनावी शंखनाद करने के बाद दिया। अब सवाल ये है कि कमलनाथ ने चूहा किसे कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश विधानसभा की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने फिर महाकाल का आशीर्वाद लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तय समय पर हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे। यहां उनका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बटुक शंकर जोशी, शहर अध्यक्ष मनीष सोनी के नेतृत्व में जोरदार स्वागत हुआ। कमलनाथ का कारवां शहर के वीआईपी मार्ग से महाकाल पहुंचा। इस दौरान पूरे रास्ते पर उनका जमकर स्वागत हुआ। पवित्र सावन माह के दूसरे दिन उज्जैन आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। चूंकि गर्भगृह में प्रवेश बंद था, लिहाजा उन्होंने नंदी हॉल से ही बाबा महाकाल के दर्शन किए और यहीं पर पुजारियों ने पूजन विधि संपन्न कराई। मंत्रोच्चारण के साथ हुए पूजन में करीब 20 मिनट लगे। इस दौरान वे 5 मिनट ध्यान मग्न भी रहे। महाकाल के दर्शनों के बाद कमलनाथ मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल से आशीर्वाद लेकर चुनाव कैंपेन शुरू कर रहे हैं और बाबा से प्रार्थना है कि सब अच्छा हो, प्रदेश की जनता खुश रहे। हमारी सरकार में किस तरह प्रदेश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक सरकार गिरा दी। जनता को अच्छे से पता है कि कौन बिका है और किसने गद्दारी की है। मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के किसानों को, मध्य प्रदेश के नौजवानों को, मध्य प्रदेश के कमजोर वर्ग को आशीर्वाद मिले, मुझे आशीर्वाद मिले, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बने, ये मेरी प्रार्थना है। हमारी कोई रणनीति नहीं है, हमारा कहना बिल्कुल साफ है कि जनता समझदार है। मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं क्या गद्दारी हुई है, क्या सौदा हुआ है, और वो जानते हैं कि किस पटरी पर मध्य प्रदेश आगे चल रहा था, कैसे मध्य प्रदेश को एक नई दिशा मिली थी। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं बीजेपी नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर कमलनाथ ने शिवराज सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वो जांच चाहे करवा लें, हर जांच के लिए मैं तैयार हूं। साथ ही टाइगर वाले बयान पर एक बार फिर तंज कसते हुए कहा कि जनता सब जानती है कौन टाइगर है, कौन बिल्ली है और कौन चूहा। पक्की जांच कराएं, 15 साल की भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है ना, और ये अब मेरे 15 महीने की जो जांच करना चाहते हैं मैं स्वागत करता हूँ। ये सब देखिए, जब इनके पास कुछ कहने लायक नहीं होता तब कभी टाइगर बन जाते हैं, कभी ये बन जाते हैं, वो बन जाते हैं। इसका मतलब बात क्या है, असली बात जनता को नहीं कह पा रहे, तो टाइगर कह के गुमराह क्या जनता होगी। जनता बहुत समझदार है, जानती है कौन टाइगर है, कौन हाथी है, कौन बिल्ली है, कौन चूहा है। प्रदेश में भले ही कांग्रेस की सरकार नहीं रही हो, लेकिन कांग्रेसियों का जोश सातवें आसमान पर है। सड़क पर कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। कमलनाथ का पूरे रास्ते गर्मजोशी के साथ जगह जगह मंच लगाकर स्वागत किया गया। रास्ते भर पोस्टर बैनर लगे थे और नेता अपने समर्थकों के साथ हुजूम लेकर कमलनाथ के स्वागत के लिए खड़े थे। मंदिर में भी नेताओं का हुजूम था।
हालांकि दर्शन के लिए चुनिंदा लोग ही कमलनाथ के साथ गए। कार्यकर्ताओं का ये हुजूम और जोश आने वाले चुनाव में निश्चित ही बड़ी जान फूंकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।